अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इन्हें पहचानते हैं, तो शायद ही आप में से किसी का जवाब हाँ में होगा, और इन्हें अब तो शायद ही आप में से किसी का जवाब ना में होगा, क्योंकि करिश्मा कपूर को कौन नहीं पहचानता। ये अपने समय की जानी मानी और लोगों के दिलों पे राज करने वाली एक्ट्रेसेस में से एक रही हैं। पर क्या आप जानते हैं 2001 में रिलीज हुई मूवी जुबेदा, जो कि इनकी रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड थी, जिसमें करिश्मा कपूर ने जुबेदा का किरदार निभाया। इस कहानी ने न सिर्फ लोगों के दिलों को बल्कि साथ ही साथ नेशनल अवार्ड भी जीता, और करिश्मा कपूर को उनकी एक्टिंग के लिए फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। दोस्तों, आज मैं वायरल टॉकीज एफएम पर आपको बताऊंगी इनकी रियल लाइफ स्टोरी के बारे में, जिसे जानने के बाद आपको इस मूवी को देखने का मन जरूर होगा। दोस्तों, ये हैं जुबेदा बेगम। ये एक मुस्लिम परिवार की इकलौती बेटी थी, और इनके पिता कासिम भाई मेहता एक बड़े ही जाने माने बड़े बिजनेसमैन थे, और उनकी माँ फैजा बाई एक सिंगर थी। बढ़ती उम्र के साथ साथ जुबेदा बेगम को नाचने और गाने का शौक होने लगा, और साथ ही वो चाहती थी कि वो एक बड़ी एक्ट्रेस बने। पर किस्मत को और उनके पिता को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि जुबेदा फिल्मों में काम करे, इसीलिए उनके पिता ने उनकी शादी अपनी मर्जी से करा दी, और इस शादी से उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम खालिद मोहम्मद रखा गया। पर किस्मत ने उनका साथ इस शादी में भी नहीं दिया, और ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के साथ साथ इनका भी बंटवारा हो गया, यानी कि तलाक हो गया। इस तलाक का जुबेदा बेगम की जिंदगी पर काफी गहरा असर हुआ। पर वो कहते हैं ना कि वक्त के पास हर मर्ज की दवा है, और वो हर घाव भर देता है। तो गुजरते समय के साथ साथ जुबेदा बेगम की मुलाकात हुई जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह से, और दोनों में प्यार हो गया, यहाँ तक कि दोनों ने शादी करने की भी ठान ली। पर दो अलग धर्मों के लोगों की शादी उस जमाने में इतनी आसान नहीं थी, और हनुमंत सिंह जो कि जोधपुर के राजा थे, उनकी पहले ही कम उम्र में एक बार शादी हो गई थी, और जब वे जवान हुए तो उन्हें एक अंग्रेज नर्स से भी प्यार हो गया था, जिससे उन्होंने शादी की थी। पर वो शादी ज्यादा वक्त तक चली नहीं, और उनका तलाक हो चुका था। फिर कुछ समय के बाद उनकी जिंदगी में आई जुबेदा बेगम। जुबेदा बेगम को हनुमंत सिंह से शादी करने में बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक तो वो पहले से तलाकशुदा थी, और उनका पिछली शादी से एक बेटा भी था, और साथ ही वो एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी, और राजा हनुमंत सिंह एक रजवाड़े से। राजा हनुमंत सिंह से शादी करने के लिए जुबेदा बेगम को अपने धर्म का परिवर्तन करना पड़ा, जिसपे उनके माता पिता ने उनका साथ नहीं दिया, और उनके बेटे को भी अपने ही पास रख लिया। जुबेदा बेगम और हनुमंत सिंह की शादी को कुछ समय बाद उन्हें एक बेटा हुआ, जिसका नाम राव राजा हुकुम सिंह रखा गया। जुबेदा अपनी पिछली जिंदगी को पीछे छोड़कर अपनी इस नई जिंदगी में बहुत खुश थी, पर शायद उनकी किस्मत को ये भी मंजूर नहीं था। एक बार जुबेदा बेगम और हनुमंत सिंह अपने प्राइवेट प्लेन से एक राइड पर निकले थे, और गोदवर राजस्थान में उनका प्लेन क्रैश हो गया, जिस हादसे में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उनकी मौत के बाद उनके बेटे राव राजा हुकुम सिंह को हनुमंत सिंह की पहली पत्नी राजमाता ने पाला, और दूसरी ओर उनके बेटे खालिद मोहम्मद की परवरिश उनके नानी के घर हुई। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि 2001 में बनी जुबेदा फिल्म की स्क्रीन प्ले उन्हीं के बेटे खालिद मोहम्मद ने ही लिखी थी, जिसे डायरेक्ट किया था श्याम बेनेगल ने, जिसमें न केवल करिश्मा कपूर बल्कि बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों ने हिस्सा लिया, और इस मूवी में चार चांद लगाए, जैसे अमरेश पुरी, रेखा, मनोज बाजपेयी और भी बहुत से सितारे। और इतना ही नहीं, इस मूवी के अंदर और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो सस्पेंस और इमोशन से भरी हुई हैं, जो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चले। आई होप इतना सब जानने के बाद आप लोगों के मन में भी इस मूवी को देखने की इच्छा जाग रही होगी। तो गाइस, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, और जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करो और मूवी को एंजॉय करो। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी वायरल टॉकीज एफएम की अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।